ये आपके हैं? मेरे हैं सर। अच्छा, ये सारे आपके? फिर तो बस सर इनके रेट बता दिए, क्या क्या डिमांड है? रेट इसका मैं 2.5 लाख के था। 2.5 लाख? और दान पर? दो है। दान पर दो है। बस देखिए माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, 2.5 लाख डिमांड है और दांतों पर दो है। इसके साथ ये जो ब्लैक कलर है, ये भी दांत का दो है और डिमांड 2.30 है। 2.30 है ये दांतों पर दो है और डिमांड 2.30 है। ये 2.5 साथ जो है वो ब्राउन वाला, ये ब्राउन वाला दांत का 4 है। अच्छा, इसका भी 2.5 है। दांतों पर 4 है और 2.5 लाख डिमांड है। ये जो है शेयर कलर का है चीता, ये दांत से दो है। अच्छा, इसका 3.5 डिमांड है। 3.5 लाख डिमांड है, ये दान से दो 3.5 लाख डिमांड है। और ये आगे जो कड़े, ये एक का, इसका ये कलर काफ़ी खूबसूरत है। ये कलर काफ़ी खूबसूरत है, एक अनमोल तोहफा ही है। अच्छा, मोल तोहफा, ज़ात भी अच्छी लग रही है। और ये जो कड़ा, ये भी 2.5 का है। 2.5 का है, ये भी दान से 4 है। दान से 4 और 2.5 लाख का है। वो देख सकते हैं बहुत हैवी जानवर इनके साथ है और रेट में अच्छे है यार, इन अदर मंडी की नस्बत से अच्छे। ये भी दांत का 4 है। अच्छा, इसका भी 3.25 है। 3.20 है इसका। 3.20 डिमांड है और दांतों पर 4 है। चाचा आपका नाम क्या है? रियाज। रियाज, एक वीव देख ले, व्यूअर रियाज नाम है इनका। और आपका फ़ोन नंबर ज़रा बता दीजिए। 0341 9062535। व्यूअर आपने नंबर नोट कर लिया होगा। ये आखिरी दो जानवर रहते हैं, इनका भी ज़रा, इसका क्या रेट है जी? इसका 2.20। 2.20 जी। और दांत पर? दो। इधर जी बहुत खूबसूरत है, ब्लैक कलर का है और थोड़े से वाइट लाइंस है और 2.20 डिमांड है। रेट में दे रहा हूँ, ये फाइनल रेट है। फाइनल रेट है। अच्छा, इसमें तकरीबन 19-20 का फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अच्छा जी, थोड़ा सा फ़र्क व्यूअर्स के लेकिन होगा, लेकिन बहुत फ़र्क नहीं होगा। और इसका क्या रेट है जी? 2.60 है। 2.60। और ये दांत पर? 4 है। 4 है जी। व्यूअर इनके साथ तकरीबन 10-12 जानवर कड़े थे और सारे आपको दिखा दिए। इनका फ़ोन नंबर भी आपको मिलेगा और नाम भी आपको मिलेगा। ये मस्जिद आप देख सकते हैं, मस्जिद से जैसे ही राइट साइड पर आए तो यहाँ पर ये खड़े होगा, ये देख सकते हैं आप। रियाज नाम है उनका और फ़ोन नंबर भी आप इनके साथ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जानवर इनके अच्छे। लाहौर से माल आया है ये? ये लाहौर से आया है। लाहौर से आया। और कितना टाइम हुआ कि आया है? ये अभी उतरा है। अच्छा, अभी उतरा है। अभी उतरा है, अभी तो ये इनके ऊपर वो तंबू शंबू लगाएंगे। अच्छा, हाँ ना, वो ज़रा लगाए कि धूप से ज़रा बचे। फिर कह रहे कि अभी ये आए हैं लाहौर से और यार बहुत ही खूबसूरत है। इनमें मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगा, ये डर रहा है यार, ये इसका से भी मुझे तकरीबन टेक्सचर काफ़ी अच्छा। 2.80 इसकी डिमांड मुझे लाहौर से भी आई है। अच्छा, इसकी 2.80 डिमांड उधर ही मिल रही थी, मैंने नहीं दिया। अच्छा जी, बस वीडियो आपने देखी व्यूअर्स, काफ़ी अच्छे डिमांड थे इनके और जानवर बहुत खूबसूरत थे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छे से गोन बार कहते, आज के रेट तो ज़रा अच्छे ना? हाँ। जब ईद आ जाए, लेकिन ईद के लिए एक हफ्ता रह जाए या 5 दिन, तो फिर क्या हिसाब होगा? ये तो बेटा रेट ऊपर जाएगा ना। फॉर मिसाल के तौर पर इसका 2 लाख डिमांड है, तो फिर कितना होगा अभी इसका? ये अगर मैं बिल फर्ज अगर 2 लाख डिमांड कर देना हो, तो ईद जब नज़दीक आ जाएगी इसका 2.60-2.70 रेट। अच्छा, 2.60-2.70 व्यूअर, काफ़ी ज़्यादा गैप आपको मिलेगा व्यूअर। इसमें 60,000-70,000 तक आपको फ़र्क इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगर हो सके तो अभी से ले ले, आज ले ले, कल ले ले, इस हफ़्ते ले ले, या इस हफ़्ते नहीं लेकिन ईद से कम अज़ कम 20 दिन या 15 दिन पहले ले ले, तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप शौकीन हैं और आप पाल सकते हैं तो ले ले, क्योंकि रेट इंतहाई यार, अभी फिर भी अभी भी हाई है लेकिन इतने नहीं है। और फिर जब ईद आ जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। तो उसका क्या हिसाब है? वो जो वायरस बेटा आया है ना, वो शुक्र अल्लाह का हमारे इस एरिया में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर नहीं है? वो नहीं है बिल्कुल। मैंने वहाँ पर एक जानवर देखा था, ऐसा वीडियो भी है उसमें था। अगर हो सकता है कोई इक्का दुक्का हो फिलहाल, मतलब कि इस एरिया लाहौर, मुल्तान, पेशावर, गुजरांवाला, इधर हमने अभी तक नहीं देखा। अच्छा जी। क्योंकि ये जो वायरस आया ये अभी कराची की साइड पे है, शुक्र है कि इधर नहीं। और इस वायरस के मतलब जिस जानवर में हो उसका गोश्त खाना क्या है? ठीक है, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए जी। अच्छा। जी। और जैसा कि आपने चाचे के बात सुनी कि वायरस अभी यहाँ पर आए लेकिन इतना नहीं है, मुल्तान, पेशावर, लाहौर इस एरिया में नहीं है, सिंध के साइड में है।
और जैसा कि आपने उनकी बात ये सुनी कि इनका गोश्त खाना ठीक नहीं है, तो फिर मत कहें, क्योंकि ये इनके इनके साथ थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। और बस हमने तो आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की इस वायरस के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग की मालूमाती होगी। और बस ये चीज़ थी, वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।